हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। ये चैनल 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए है। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके पेपर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रशांत एजुकेशन हब के नाम से मेरा चैनल है, और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि कोई नया अपडेट आए तो आपको पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, नाइन्थ क्लास का है, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आप देखते हो। ये क्वेश्चन x³ माइनस में 2x² माइनस में x+2 है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पेपर में हर साल ही हमारे पेपर में एक ना एक बार आता है, चाहे फर्स्ट टर्म में चाहे सेकेंड टर्म में। ये हमारा 4 नंबर का होता है, बेसिक चांसेस होता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड टर्म के क्वेश्चन में हमारे पेपर में आता है। ठीक है, अगर जो आप यहाँ पे समझ लोगे तो आपके 4 नंबर कहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले जो लास्ट में हमें जो दिख रहा है 2 दिख रहा है, इसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 का फैक्टर जो होगा हमारे पास, देखिए हमारा 2 है तो 2 का फैक्टर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे ही हमारा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी हमारा ये इक्वेशन है, इसका क्या करेंगे हम, इसको पी एक्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को माना पी एक्स बराबर में क्या बन जाएगा हमारे पास, ये x³ माइनस में 2x² माइनस में x+2। इस हिसाब से क्या क्या होगा ये हमारा बनेगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर बना है इसको हम पुट करेंगे, जिस पे हमारा 0 आ जाएगा उसको हम 0 के बराबर रख के क्या करेंगे हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले अगर जो हम x बराबर 1 रखते हैं तो क्या है हमारे पास, 1 का क्यूब हो जाएगा हमारा माइनस में 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1+2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस में 2 माइनस 1+2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये हमारा इससे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, कट के क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो हमने ये देखा कि P1 पे क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, इट मीन x+1 पे क्या आ गया, 0। अब हमें उसको डिवाइड इसका 0 से करना होता है, तो x-1 पे क्या आ गया हमारा, ये इस तरह क्या हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड हमें इस इक्वेशन से करना है। इस डिवाइड में बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, दिक्कत होता है, जिनकी मैथ स्ट्रांग नहीं होती, जिन्होंने सही से पढ़ा नहीं होता है, इसे एक बार देख लीजिए, उसको भी आ जाएगा ये समझ में। x-1 से क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का खाली एक ही रूल है, जो आगे वाला टर्म है उसको एलिमिनेट करना है। हमें यहाँ पे x³ दिख रहा है, x³ को एलिमिनेट करने के लिए हमें x² से क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x² से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा हमारा, ये x³ बन जाएगा, माइनस में क्या बन जाएगा हमारे पास, ये x² बन जाएगा। ठीक है, माइनस करने में क्या होता है, हम साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में x², माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, x² हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में x बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें माइनस x² को एलिमिनेट करना है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस में x से क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये माइनस में x² बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस में, माइनस प्लस क्या जाएगा, प्लस में बन जाएगा हमारा x बन जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कट जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस में 2 आ गया, अब हमें माइनस 2x लाना है हमारे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, माइनस को क्या करेंगे हम, इसको माइनस में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारा, ये 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, देखो 0 आ गया हमारा, ये जैसे ही हमारा 0 आ गया, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन है, हमारा ये इक्वेशन क्या है, ये x² माइनस में x-2, इसको फैक्टराइज करेंगे। ये हमने इसी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा, उसमें हमने करा हुआ है। आगे वाले इसके कोफिशेंट को x² के कोफिशेंट को सी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, माइनस में 2, माइनस 2 का फैक्टर करेंगे, जिससे क्या आना चाहिए हमारा, माइनस 2 आना चाहिए। तो हमें पता है कि x² माइनस में 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में x और माइनस में 2। देखो प्लस माइनस 2x में अगर x को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, माइनस x बचेगा, इट मीन क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। ठीक है, कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा, x कॉमन आ गया, यहाँ पे x-2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था, वन आ गया, यहाँ पे एक्स माइनस टू हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस टू हो जाएगा। तो हमारे क्या निकल गए, ये दो फैक्टर निकल गए। ये जो दो फैक्टर है वो कौन से इक्वेशन का, इस इक्वेशन में एक्स क्यूब माइनस में टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या है हमारा प्लस टू, ठीक है। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस वन हो जाएगा, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन हो जाएगा और क्या हमारा एक्स माइनस टू। ये तीन क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अगर जो आपको एग्ज़ाम है इसी तरीके से करना है तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से करना है जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको मैं और ऐसी 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 वीडियो आपको बना के दिखा दूँ। धन्यवाद।